कोलैबोरेशन की रील बनी है तो घर थोड़ा सा तो आप सभी देख लो गाइस, थोड़ा बुरा मत माना करो, घर इनबैलेंस रहता है और मैं आप सबके सामने लाती हूँ। मैं इसलिए लेकर आती हूँ नॉर्मली क्योंकि आप मेरी फैमिली आप समझ सकते हो, मिडिल क्लास के घर कैसे रह सकते हैं। जो हाई लेवल घर होते हैं वो तो सेट रहते ही है, लेकिन हमारा घर इतने अच्छे से सेट है तो आप समझ सकते हो, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। कोऑर्डिनेट कुछ और होता है, रिलेट कर सकते हैं। बर्थडे को निकले हुए 2 दिन हो गए और 2 ब्लॉग बन भी चुके हैं। आज तीसरे ब्लॉग में हम करने वाले हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग। सीरियसली 2 ब्लॉग निकल चुके हैं, हमने 2 ब्लॉग डाल दिए, उसके बाद आज वाले ब्लॉग में हम गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे। और जो बर्थडे के दिन हमको जो सरप्राइज गिफ्ट मिली थी मम्मी की तरफ से, उस गिफ्ट का अपन को शॉपिंग भी करने जाना है, वो जाएंगे हम इसके बाद वाले ब्लॉग में। जब टाइम मिलेगा बहन मत बोल, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं हो रहा अपन सच में, क्या हो रहा है क्योंकि लहंगा देखने भी जाना है अपन को। हाँ आज जा रहे हैं अभी आधे घंटे से, उसके बाद फिर अपन क्लास लेनी है और फिर मतलब बहुत चीजें करनी है, तो अभी पक्का कुछ मत बोल, ट्राई करेंगे। पक्का कुछ भी नहीं बोल रही मैं सिर्फ ट्राई कर सकती हूँ कि आज जाएंगे कल, आज तो कतई नहीं जाएंगे, परसों या नर्सों जा सकते हैं। हॉस्पिटल का काम कम हो गया वरना पता चलता कि बहन हॉस्पिटल जाना है, आज रीचेकअप है ना तुम्हारा। मेरी तरफ मत कर, तू खुद की तरफ कर, ये मेरी फीलिंग कैमरे पर दिखती है। अच्छा अरे यार दीदी क्या। तो गाइस आई होप मैं आपको थोड़ी सी तो पतली दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने खुशी का जीन्स जो पहना है ना वो मुझे रियली में आ भी गया है और कितना सुंदर लग रहा है। मैं अपने आप को निहारते नहीं थक रही, देख सामने देखो दिख रही हूँ ना गाइस, बस थोड़ी सी वेट के साथ हाइट और लंबी हो जाए। नहीं उसके लिए लटकना जरूरी है दीदी, जो तुम कभी नहीं लटकने से हाइट कभी नहीं बढ़ती है, तुम कहाँ से तुम ये सीख कर आई हो कि लटकने से हाइट बढ़ती है। नहीं तो बहन बास्केटबॉल खेल खेल के पड़ गई। हाँ क्योंकि तुम जंप करते हो इसीलिए, हमने उतनी नहीं करी कोई। ये क्या गिफ्ट एक जगह भी नहीं रखी है? हाँ रखी है ना, ये हाय हाय इतना सुकून, इसे बेस्ट गिफ्ट अवार्ड मिलना चाहिए सच में गाइस, मतलब की जिंदगी में पहला मुझे किसी ने ये दिया है तो थैंक यू जिसने भी दिया है मुझे, वो जानता है किसने दिया है। हाँ। बाकी के कहाँ है दीदी? ये रहे ना बाकी के, ला रही हूँ पकड़ो, कुर्सी पे ही रख देती है इससे अच्छा सारे के सारे। यार दीदी हाँ कोने कोने में से गिफ्ट निकाल के ला रही है दीदी, तूने मैंने नहीं रखे, एक कसम से मम्मी ने रखे हैं। और मम्मी मैंने अच्छा हुआ कि मैंने मम्मी की गिफ्ट जो रखी रखाई थी वो मैंने ढूंढ ली, इससे ज्यादा और तुम उसे क्या एक्सेप्ट करते हो। ये बात है। तो गाइस सबसे पहले वो गिफ्ट आती है जो मैं उसको छू भी नहीं सकती। हाँ दीदी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अपनी गर्ल्स को पता था कि अपन डाइटिंग पे, उसके बाद भी ये क्या लेके आए, डार्क फैंटेसी और क्या पता नहीं। दिल टूट जाता है गाइस जब ऐसी गिफ्ट कोई देता है तो। फेरेरो रोशर दीदी और क्या है दिखाना, क्रिस पहलो। तो बहन ये तो तेरे लिए थी। हाँ ये तो मेरे लिए थी। और कसम से गाइस खुशी भी कुछ नहीं खा रही, कल देखेंगे खुशी अगर तुम खा सकती हो तो खाना, वरना देखते हैं तो है। किस्मत में हूँ तो। अब आप बताओ कौन सी खोलते हैं? नहीं दीदी तीन चीजें तो देखे ना पहले से ही ओपन ही थी, एक फेरेरो रोशर थी, एक डार्क फैंटेसी और एक ये गुलदस्ता। हाँ। गुलदस्ता के साथ एक फोटो प्लीज। सुंदर लग रही हूँ मैं तो हमेशा थैंक्स मैं क्यों बोलती हूँ पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो गाइस आप बताओ आप ये खोले या फिर ये, कोई सा भी खोल ले, डब्बा खोल ले पहले। ओके डब्बा खोलते हैं, डब्बे में क्या है? शो पीस है, शो पीस टूटने से बच गया गाइस, शो पीस है। ओके ओके ये है, वाओ सीरियसली काफी अच्छा है, दिखाना दीदी इधर हो ना थोड़ा सा, क्वालिटी मैटर्स। दीदी दीदी देख कितनी किस्मत है यार, क्या ये देख इसका एक फूल निकाल के इसके अंदर डाल दे। हाँ नहीं यार खराब हो जाएगा। हाँ तो मतलब एक थोड़े दिनों बाद एक आध फूल निकाल के इसके अंदर डालेंगे। हाँ ये गुल मतलब ये गमला है और उसका फूल बोरा। हाँ इसे क्या होता है, बास बास और बास है ना, सुंदर है अच्छा है ना। थैंक यू सो मच गाइस, आपने से बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है मेरे को ये, और मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाहूंगी पर वो जानता है कि किसने दिया ये वाला गिफ्ट, बहुत अच्छा है रियली में बहुत क्यूट है। गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट ही है और लास्ट कपड़ा है, कपड़े टॉप है
आई थिंक कपड़ा मतलब टॉप या फ्रॉक वगैरह। हाँ मतलब टॉप टॉप है या फिर ये कुर्ता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ मुझे भी। दीदी अभी अपन को आएगा कि नहीं आएगा पहले तो ये बता दे। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे आ जाएगा पर थोड़ा सा ढीला आएगा। कोई नहीं मैं अपना फिट करा लूंगी। ये जिसने भी दिया है उसे पता नहीं था कि तू डाइट कर रही है। इट्स ओके कोई नहीं पहन। अरे पहन ले दीदी, कलर भी अच्छा लग रहा है ना अपन पे। तो गाइस मुझे ये बहुत फिट करवाना पड़ेगा बहुत ज्यादा ही। बट इट्स लुकिंग गुड ऑन यू। इसको देख के मुझे कोर सेट की याद आ गई। प्लीज खुशी उसकी याद नहीं दिलाया करो। बहुत ही ज्यादा बेकार बेकार गिफ्ट। अच्छा था गिफ्ट की मैं बुराई नहीं कर रही। निकाल दे फिट कराना तभी पहनना, वरना ऐसे देखने में तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आंख बंद कर लूं। बहुत अच्छे हैं सारे गिफ्ट। मैं फिदा हूँ इन सारे गिफ्टों पे, बस ये टॉफीज को छोड़ के। टॉफीज का फिदा, टॉफीज पे फिदा होगा ही ना, तो तुम्हारी हेल्थ तुम पे फिदा हो जाएगी। हाँ और वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। फिर वो वाली रील बनाना दीदी आलिया भट्ट की। कौन सी है? मुझे छोड़, क्या था? मुझे छोड़, मुझे मेरे घर जाना। ये नहीं तो? वो यहाँ पे अपन ने दीवार से चिपक के नीचे बैठ के बनाई थी। आलिया भट्ट की थोड़ी ना है तो? वो तो उसकी आई थिंक करिश्मा कपूर की है। तो क्या थी? छोड़ दो मुझे मेरे। नहीं ऐसा नहीं था कुछ, मतलब था तो ऐसे ही कुछ पर था। साइड में लगा दूंगी गाइस आप सबके लिए। फिलहाल तो मैं खुशी का पेंट देख देख के मैं फैदा होती जा रही हूँ अपने आप पे। देखो गाइस कांग्रेचुलेशन, मेरी जो टमी है वो भी देखो आप। ये देखो इतनी सी रह गई। मेरे पेंट के आखिरी दिन चल रहे हैं बहन। क्यों बोलती है वे? आखिरी दिन चलना मतलब क्या? ये फटने वाला है? फटने वाला नहीं, अब ये मेरा होने वाला है। ये तो मैंने भी तो यही बोला, मेरे पेंट के आखिरी दिन चल रहा है। वो गलत वे में जा रहा था। वो तुमने गलत सोचा, वो तुम्हारी गलती थी। ओके गाइस मैंने गलत सोच लिया, उसमें मेरी गलती है। फिलहाल मेरी छोटी कैसी लगी वो आप कमेंट में जरूर बताना। गाइस बड़े दिनों से मम्मी हमारे ब्लॉग में नहीं आई है, तो उनके आने का स्वागत बनता है। मम्मी अछूता निकाल लेंगे जो कि 8 दिन निकल गए। 8 दिन और? अच्छा 8 दिन और है। हाँ 15 दिन तक, मतलब 15 दिन तक मम्मी का यही काम है कि सुबह उठना है, नहाना है और अछूता निकालना है। ये कनागत होते हैं ना मम्मी। One hour later. फिलहाल मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, बर्थडे के बाद हॉस्पिटल, बर्थडे से पहले हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। डॉक्टर ने 5 दिन की बोली थी तो हम वही चेकअप करवाने जा रहे हैं। भगवान कुछ ना निकले। नहीं निकलेगा तो था तू। चलो अभी फिलहाल चलते हैं। और गाइस नाश्ता वगैरह हम करके जा रहे हैं, जिससे हमको अगर थोड़ा सा भी लेट हो तो मम्मी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं ले, नॉर्मल रहे, रिलैक्स रहे कि नाश्ता तो करके ही गई हैं लड़कियां। वैसे तो नहीं लगेगा टाइम और सब कुछ अच्छा हो जाए तो बेटर है। तो गाइस करेक्ट 12 बज रहे हैं, तो मम्मी कह रही है भूचड़ चैटे से अच्छा है कि 12 बज चढ़े चढ़ाएंगे। दीदी सच में चढ़ाएंगे? एक तो तू चैटी है, बचपन में 12 बजे निकल गई थी तब से ही मुझसे चैट गई है। अब मैंने याद है दूसरी को चैटे। मम्मी यार जो दीदी कह रही है कि ये मैं उससे चैट गई हूँ, वो रात में 12 बजे निकली थी। तो रात में नहीं दोपहर की। कम बोलो कम कम कम। हाँ तू जला के जीप से बंद करेगी। मेरे को तो पता है ऐसा लग रहा है किसी मुझे में खून की कमी हो रही है कसम से। मेरे में जितने भी लक्षण है ना वो खून की कमी के ही है। मेरे फेस को काला होना, ये जो देख दाग पड़ रहा है, ये यहाँ पे सफेद सफेद पड़ रहे हैं क्या फेस पर, ये भी होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे में हो सकता है, पर जितने भी मैंने पढ़े हैं, मैंने जितना जाना है यार, तो उसके लिए तो फिर नारियल का जूस, नारियल पानी, अनार का जूस, ये सब पीना यार। नहीं ये पी सकती हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं देख रही हूँ अपने शरीर को अपनी उसको के पहले जैसा था ना उससे बहुत 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 डार्क अब होता जा रहा है। बैग तो मुंह के पास मत रखा। अरे उधर कर, पीछे कर। चलो गो इधर कर। अरे इधर किधर? उस हाथ में मेरे लग रही है। अच्छा अच्छा क्यों हंस रही है? क्योंकि मुझको हंसी आ रही है। गी 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 गी। हाँ गो गाइस बैलेंस चल गया है मोबाइल। हाँ गाइस बैलेंस चल गया है, इस बात के लिए हम इतना की 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 कर रहे हैं। कितने का डलवाना है? 90 A few minutes later कुछ अपनी छोटी आगे करना। अबे ये क्या किया? तेरी रिपोर्टर है तो तेरी छोटी के पीछे बांध दी। कैसा था आइडिया? आप छोटी से रिपोर्ट छोड़ सकती है जो कि सारी हट गई है। वाह बेटे वाह, इतनी है फाइनली गाइस। अब हमको ये हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खुशी का चेकअप बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, मतलब कुछ नहीं निकला। मम्मी की फरमाइश है नारियल का पानी, वरना मम्मी मुझे खा जाती है अगर मैं इसको नारियल का पानी निकलाती तो। पागल इतना भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। उस दिन तो मैंने वैसे जिद कर ली थी, रोज रोज मत पिलाया कर दीदी।
मेरी वो वाली वीडियो देखी है तूने कि एक नारियल पानी निकाल के एक को दे दिया, उछाला उसे हटा दिया कि इसमें कम पानी है, दूसरा उछाल के अभी तेरी कितनी बेकार है दीदी यार, घर पे नहीं चलती ना पी देना। नहीं नहीं तुम्हें बेकार है पियो बनिया बहन। अरे मेरा जो कम्प्लीट होने थे पहले ठीक है, तो है ना मतलब एक उछाल के ऐसे रख देते कि इसमें कम पानी है, फिर दूसरा निकाल के दे देते कि हाँ इसमें भर के है, और फिर जो दूसरा का कमर आता है उसको पहला वाला दे देते हैं। जोक भी तमीज से सुनाना नहीं आता है क्या? मम्मी के लिए वीडियो बना रही हूँ, मम्मी ये देख लो खुशी तुम्हारी पानी पी रही है नारियल पानी, अब मुझे जिद नहीं करना। वहाँ डॉक्टर को दिखा रहे थे ना, तो वहाँ पे खुशी मेरी शिकायत करने बैठ गई, ये दीदी मुझे कुछ खाने नहीं देती है, कुछ भी करने नहीं देती है, ना रोटी खाने देती है, ना खट्टा खाने देती है, ना मीठा खाने देती है। अब डॉक्टर ने मुझे जो बोला मैंने उसी पे रोक टोक लगाई, अभी फालतू अगर मैं तेरे को तब खाने खिलाने के लिए बोल देती, मतलब तब खाने को दे देती, और फिर डॉक्टर बोलते, मतलब डॉक्टर दोनों साइड होते हैं कि जब मैंने नहीं दिया तब आप खा लेना, और जब मैं दे देती पहले तब बोलते कि आपको समझ नहीं आता, मैंने से बोला था ना कि इसको ये खाने मत देना वो खाने मत देना। डॉक्टर ने कभी बोला ही नहीं था कि मेरे को खाने मत देना, वो तो दूसरे वाले थे उन्होंने बोला था। मम्मी को डिब्बों से ज्यादा प्यार है, तेरी किस चीज से फाड़ रही हो ये तुम? चमचा, जैसे तुमने कल रात दलिया खाया था। इससे नहीं खाया था मैंने, चमचा से खाया था। दीदी मुफ्त का सामान मम्मी को बड़ा प्यारा लगता है ना, पैसा नहीं जाए फिर मैं आया तो तो सिर्फ एक मम्मी का नहीं हर मम्मी को होता है। फाइनली ताली बजाओ मम्मी, ताली बजाओ, अनबॉक्स हो गई, तारक मेहता बन रहे हो कि पार्किंग हो गई, ये ताली बजाओ, गरबा करो, इसी बात पे गरबा हो जाए, गरबा होता है डांडी गरबा ही होता है ना सॉन्ग पे। ओह नो, आज के दिन में खुल जाएगा दीदी, ये क्या निकली है? मैंने दीदी कहा था ना कि फेशियल या रिमूवर खराब हो गया तो नया आ गया, नया आ रहा है, सही बोला। ज्योति ने बचाया तो बचा, उल्टा निकाल आए दीदी, मूछ बनाएंगे। तो गाइस ये है इलेक्ट्रिक ब्रश जो कि हमने मंगाया नहीं है, फ्री में दिया है किसी ने, फ्री में दिया दीदी, फ्री में तो कोई मतलब कुछ नहीं। कोलैबोरेशन वीडियोस बना के डालनी है, पेड़ प्रमोशन भी मिलने लगे तो ज्यादा अच्छा है। ये पेड़ भी तो है ना, ये पेड़ ही है, ये पेड़ सामान भी आता है और पैसे भी आते हैं। निकाल यार दीदी तू, मेरे को ब्रश करने का ये इसको चार्ज करने का, आज के दिन में निकल जाएगा, तुम निकाल लो थोड़ा सा। दीदी इतना छोटा सा ब्रश है, ये रहा ना इसमें लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा चश्मा का डिब्बा है, मुझे भी यही लगा। इससे तुम अपनी जीभ साफ कर सकती हो, सब कुछ साफ कर सकती हो। जो ब्रश मेरे को आता तो नहीं है पर मैं ट्राई कर सकती हूँ। अब जी कैसे चलेगा देखो तो, ये लो चल रहा है, रुको ऐसे दांत पे चले मुझे। हाँ दिखा दीजिए मेरे हाथ, बड़ा मजा आ रहा है। और करना थोड़ा सा इसमें टंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, सेंसिटिव कर सकते हैं, क्लीन और वाइट, क्लीन और वाइट। दो ब्रश हैं, दो नहीं है पांच है, पांच है, अपने घर में पांच लोग हैं ना तो सबके एक एक मशीन एक ही रहेगी, लेकिन ब्रश तीन चार रहेंगे। सही बात है, पहली बार मम्मी को प्रमोशन का कुछ सामान पसंद आया है। गाइस मम्मी अच्छे से ब्रश नहीं करती है तो स्पेशली मैंने उनके लिए ये वाला कोलैबोरेशन एक्सेप्ट किया है। वो डब्बा रखवा लो, तुमको ये रखवा लो, बस ये दो चीज मम्मी को पसंद आ।